नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल और सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह द्वारा सभी सीएसपी और निरीक्षकों की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़ने के चलते शासन की गाइडलाइन का पालन करना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना, चेहरे पर मास्क लगाना, ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्देश जनता को जागरूक करने को लेकर दिए गए हैं। समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से डीएसपी सुरेंद्र पाल सिंह राठौर, सीएसपी वंदना चौहान सहित निरीक्षक जितेंद्र भास्कर, ओपी अहीर, ब्रजेश श्रीवास्तव, जीआर बर्डे, गगन बादल, मनीष लोधा, प्रवीण पाठक, मुनेन्द्र गौतम, विक्रम सिंह चौहान, राममूर्ति शाक्य, मनीष मिश्र, पृथ्वी सिंह खलाटे सहित संपूर्ण शहर के और ग्रामीण के निरीक्षक उपस्थित थे। आज पुलिस कंट्रोल रूम उज्जैन में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक मीटिंग ली गई है। इसमें अपराधों की समीक्षा की गई है, साथ में जो पेंडिंग मामले हैं उनकी समीक्षा की गई है। संपत्ति संबंधी अपराध, वाहन चोरी वगैरह है, उनके संबंध में मीटिंग ली है। साथ में अभी जो हाल में कोविड के जो केसेस बढ़े हैं उसको लेकर के पुलिसिंग के दौरान, जो डेली पुलिसिंग के दौरान किस प्रकार से थाने में जो एकदम सुनवाई की जाए, व्यक्तिगत सुरक्षा किस प्रकार से मेंटेन की जाए, साथ में पब्लिक को मैं मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के जो अवेयरनेस करने के लिए ड्राइव चलाने का अभियान चला रहा है, उस संबंध में निर्देश दिए गए। सर, आने वाले त्यौहार को लेकर क्या निर्देश? आने वाले त्यौहार को लेकर देखते हुए भी अभी हाल में ही जो मध्य शासन के द्वारा भी नई गाइडलाइन जारी की गई है, क्योंकि अभी कोविड की जो दर है, संक्रमण की दर है कोरोना की, वो बढ़ी है और उस कारण से जो गाइडलाइन है उसका पालन कराया जाएगा।